और सज्जनों, कोई भी चीज जब रूपांतरित हो जाए या तो डाइवर्ट हो जाए तो वो बदल जाती है। जब काम लस्ट बनता है, वासना बनती है, तो पतन की ओर ले जाता है। लेकिन वही काम जब उपासना बन जाता है तो सज्जनों वो उत्थान की ओर ले जाता है। कामई नारी पियारी जिमी लोभई प्रिय जिमीदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। फिर क्यों लिखा तुलसीदास जी ने ये? इसका मतलब ये है कि बुरी नहीं है कोई चीज, लेकिन उसका इस्तेमाल बुरा है। उसको डाइवर्ट कर दो ना, भगवान से जोड़ दो ना। वासना संसार से जुड़ती है तो वासना होती है, लेकिन परमात्मा से जुड़ती है तो उपासना होती है। गोपियों को आज भगवान ने अपने आप से जोड़ दिया तो वो रूपांतरित हो गई। रूपांतरण इनो ओ मतलब है, इनो दर्शन ओ है सज्जन। मैं तो संक्षेप में समझायो आपने, समय अभाव से नहीं तो बहुत खुलो विवेचन है इनो, बहुत बढ़िया। भगवान चिरहरंडी लीला कर गोपियों ने निर्वासनामय कर दी, कामनांकुर जो था वो खत्म कर दिया। और फिर भगवान कहो शरद पूर्णिमा की रात में आपरे साथे रास लीला करूंगा, क्योंकि कामी आदमी ने तो रास में प्रवेश नहीं है। इन वास्ते पहला काम ने हरियो, तो अब काम हर गया गोपियों के मन का, अभी वो शुद्ध हो गई हैं। अब भगवान ने उनको डेट दी रास लीला की। आगे भगवान चले, भगवान गया गौचारण करियो, फिर भगवान पाछा आया है सज्जनों। तो अगले दिन सज्जनों, ए ब्रजवासी लोग और मैया यशोदा और नंद बाबा सब बहुत बड़ी तैयारी में लग जोड़ा। भगवान क्यों कहनी तैयारी हो रही है? नंद बाबा कहो इंद्र री पूजा री तैयारी हो रही है। इंद्र री पूजा री तैयारी? बोले हाँ। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्मात् मूर्तय अभ्यवर्षन् भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। साल भर में इंद्र की पूजा करा बेटा, वे बारिश करे अनाज होवे इनो अपनो जीवन व्यापन वे, तो इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा लोग करे तो कि नहीं, कोई आपत्ति नहीं भगवान ने भी नहीं, पर इंद्र रे मन में हुए घमंड ने भगवान दूर करनी चाहे है। इन वास्ते भगवान कहो इंद्र की पूजा करो। पर इंद्र ने कदी देखियो? बोले देखियो तो कोनी, जन पी कि पूजा करो, जिन डोली कोनी देखिया, देवता रभी नहीं कहीं पूजा करो, प्रत्यक्ष देव है उनकी पूजा करो। और कर्म में विश्वास रखो बाबा, तुम कर्म करते हो इसलिए तुम्हें फल मिलता है। इंद्र बरसात गरन जावे परो, थे बीज नहीं बोवो, खेत नहीं खड़ो, हल नहीं खड़ो, तो बोलो कि उवे कि मिलेला? कहीं नहीं मिलेला, खाली कादो रही कादो, पानी पड़ियो है एर की करियो नहीं, खेती नहीं करी तो वो तो कादो हो जाए, कीचड़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत करता है ना तब फल फसल मिलती है। वैसे बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और भागवत में ही नंद बाबा ने श्री कृष्ण भगवान कह दी, और बहुत प्यारी बात कह दी, और बहुत ही वजनदार दमदार बात कह दी। और वे कहो अस्ति चेत् कलरुप्यं कर्मणा कर्तारो भजते सोपि नहि करतु प्रभु हिष। ईश्वर नाम की चीज अगर इस दुनिया में है और वह भी किसी को फल देती है तो उसी को फल देती है जो कर्म करता है। कर्म नहीं करता उसको फल भगवान भी नहीं देता। तो बोलो है कर्म नहीं करो जन कहीं मिली, इंद्र री पूजा करो। इन बीचे तो प्रत्यक्ष जो देव है ज्ञानी पूजा करो। प्रत्यक्ष देव कौन है? प्रत्यक्ष देव है वृक्ष, प्रत्यक्ष देव है गांव, और प्रत्यक्ष देव है गोवर्धन। वृक्षों री पूजा री बात भगवान की, पेड़ों की बात। सज्जनों मैं आपसे निवेदन करूं, बस यही है कृष्ण का संदेश।
भगवान श्री कृष्ण क्रांतिकारी विचार विचारक कहलावे। क्योंकि सज्जनों वे जीवन में क्रांति दी, वे लोगों ने ऐड़ा ऐड़ा विचार दिया जिनसे लोगों रो जीवन परिवर्तित हो गयो। जी में एक ओ वृक्ष बचाओ नो चिंतन, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। क्यों? आज रे जमाने की तो जरूरत है, इन दुनिया रे अंदर मोबाइल बिना चल जावेला, सोना चांदी गहना गांठा बिना चल जावेला, परंतु सज्जनों श्वास बिना चालेला, प्राण वायु बिना अपन जीवता रह सकाला? विचार तो करो, नहीं ना? और ये प्राण वायु, शुद्ध प्राण वायु कहां से मिलेगी आपको? आपको मालूम है गांव में रहने वाला आदमी ज्यादा जीता है, शहर में रहने वाला कम जीता है? औसतन शहर वाला री उम्र 5 साल 10 साल कम हो जावे, गांव वाला 5-10 साल बताई जीवे, बीमारी भी कम लागे गांव वाला ने। कारण कही आपने ठाए, क्योंकि शहरों में पेड़ काटे जा रहे हैं। अटे आप फैक्ट्री बनानी है, लो साहब काटो, अटे वो करना है, लो साहब खत्म। पर्यावरण की तो बलि चढ़ जाती है, और लोगों ने शुद्ध हवा को नहीं मिले, वही फैक्ट्री रो गंदो पानी न ये न वो न प्रदूषण, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रही हो नहीं, और बीरी वजह से प्राणवायु प्रदूषित हो गए, जन आदमी की जिंदगी भी कम हुए। गांव रे अंदर पेड़ है, शुद्ध हवा है, जन लोग निरोगी है, सुखी है, और जीवे भी बता है। विचार करो, अगर दुनिया में सब कुछ नहीं पा सके तो कोई बात नहीं, ज्यादा पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर कम से कम जो श्वास भगवान गिनर अपने दी है, वह तो कम से कम शुद्ध मिले, वह तो कम से कम प्यार मिले, तो अपन जिंदगी चोखी तो जी सका। और वो पर्यावरण संभव है, पेड़ बचाओ। इन माते उपदेश देवनी बात नहीं, इन्हें तो लागू करनी बात है, क्योंकि मैं ही पेड़ पेड़ करूं थी हूणो पेड़ पेड़, बीओ तो पेड़ को नहीं लागे, बीओ पर्यावरण को नहीं बचे। इन वास्ते मारी कथा में मैं जटे जाऊं बटे वो संदेश देऊं, और लोग लगावे भी है, अच्छा लगता है। एक धर्मशाला में कमरों बनाओ, लाखों रुपया खर्च कर, और एक पेड़ लगाओ, उनमें लाखों रुपया खर्च नहीं हुए पेड़ में तो, पर तो एक पेड़ लगाओ और एक कमरों बनाओ, दोनों हीर का है, बराबर पुण्य मिले आपने। क्यों? क्योंकि धर्मशाला में भी लोग रहते हैं, और एक पेड़ बनता है तो उसपे कितने पक्षी घोंसले बना करके रहते हैं, वो भी तो धर्मशाला ही है पक्षियों की। फूल मिले, फल मिले, औषधि मिले, छाया मिले, वह बड़े बत्ती फ्री में। और एक बात बताऊं मैं आपको, कोई आपने पेड़ लगाया, बढ़िया छायादार पेड़ हुआ, उसके नीचे कोई रहकर आकर के घड़ी पर आराम करता है, वो जब नींद लेकर के एनर्जी प्राप्त करके फ्रेश होकर के जब रवाना होगा, तो उसके दिल से आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, भला हो उसका जिसने ये पेड़ लगाया, कि तो काम आयो, कहीं ठंडी हवा ही कहीं छाव सी, तो आशीर्वाद आपने मिले लो। इस दुनिया को आप देकर के जाना चाहते हैं सज्जनों, तो ऐसी सौगात देकर के जाइएगा, पेड़ लगाओ। कम से कम 2 पेड़ तो प्रत्येक व्यक्ति ने लगाना, एक री बजाय 2। मैं एक री बात नहीं 2 री बात करूं, क्योंकि एक पेड़ जितना लकड़ा तो आदमी मरे जब बाड़न में काम आ जाओ, नहाते रहते जा पर एक मतलब है। लेकिन 2 लगाओ, एक अगर हमारे काम आएगा तो दूसरा हमारी याद बनकर के खड़ा रहेगा, और आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, हमारा दादाजी वो पेड़ लगा रही है, ये पेड़ के रूप में मेरे दादाजी आज भी जिंदा। ये स्मृति परमानेंट स्मृति है, हमेशा हमेशा के लिए है। घणो खर्चों को नहीं आवे, जागृति की बात है सिर्फ सज्जनों, नहीं तो हालत बड़ी खराब है। 48 डिग्री गर्मी आएगी, कहीं हालत हो रही है, दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, ओजोन लेयर जो है वहां बहुत ही पतली होती जा रही है। विज्ञान की बात है, अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ भी जाएंगे। इन वास्ते मारो संकेत में यह निवेदन है कि वृक्ष ही है जो इस गर्मी से हमको बचा सकता है, वृक्ष ही है जो हमें जीवन दे सकता है।
तो पेड़ लगाओ। दूसरी बात, पेड़ लगाओ नहीं, बात में इन वास्ते कह रही हूं क्योंकि वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम समस्या भी हम ही हैं और समाधान भी हम ही हैं। पेड़ काटने वाला भी कोई दूसरा कोनी अपाई हां, और पेड़ लगाने भी कोई दूत कोनी आवेला ऊपर, वही अपन ही लगाना है। काटे तो समस्या खड़ी हुई और लगा दिया तो समाधान हो गया। इसलिए आप लोगों को ही ये चेतना है और जागृति लाकर के काम करना, हम सबको मिलके करना है जी, सबको मिलके करना है। दूसरी बात, गाय, भगवान ने कहा गौ सेवा करो, गाय को बचाओ। क्यों? गाय हमारी संस्कृति के आधार है, उसका संरक्षण उसका संवर्धन होना ही चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः, की नहीं कर सको, बच्चा को नहीं सको तो गाय ने सज्जनों मारने रो हक नहीं है। अपन मारो निवेदन है थे गौशाला नहीं बना सको तो कोई बात को नहीं, घरे गाय था नहीं पाली जे तो कोई बात को नहीं। तो करो कि हम प्लास्टिक के अंदर ये जो सब्जी वब्जी काट के आप जो कचरा फेंकते हैं प्लास्टिक के अंदर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वह गाय तो वो सब्जी के चक्कर में भी प्लास्टिक ने भी खाई, और वह प्लास्टिक की थैली गाय रे वास्ते सीधो गोली रो काम करे, सीधा गोली का काम करती है, और उसका दोष कहीं न कहीं हमको ही लगता है। और अभी मैं आपको बताऊं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और अपन लोग आए तो छोड़ो, पूरी दुनिया में प्लास्टिक बैन रही एक आवाज उठी कि भाई प्लास्टिक अब बंद होना चाहिए। अल्टरनेट है, आप कपड़े की थैली यूज करो, और भी अल्टरनेट है, लेकिन प्लास्टिक यूज मत करो। और इन मंचसों भी एक दो बार इन बात इन इन, इन विषय पर बात हुई, और सज्जनों ये तो घर में फैल गयो है वो प्लास्टिक की मत पूछो आप। इन वास्ते इन्हें निकालने वास्ते भी कुछ प्रयास होना चाहिए, कम से कम इतना तो करो कि वो प्लास्टिक किसी के लिए जानलेवा न बन जाए, गौ माता की जान का मृत्यु का कारण वो न बन जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आज जागृति भी अगर आ गई नहीं आप में, आप इतनी माताएं बना बैठी हो, इतना भाई लोग बैठा हो, तो एक बहुत बड़ो काम हो जाएगा सच में, बहुत बड़ो काम हो जाए। तो उस गाय की रक्षा हो। दूसरी बात, गोवर्धन, प्रकृति की रक्षा करनी जरूरी है ना सज्जनों, तो गोवर्धन पहाड़ आदि ये भी तो बचाने हैं। इन वास्ते भगवान गिरिराज पूजन री बात कही, एर भगवान ई वास्ते इंद्र री पूजा बंद करवा, गोवर्धन री पूजा करवाई। जब गोवर्धन री पूजा करवाई, भोग लगायो, तो सज्जनों बी टाइम जयकारो लगायो, लोग इंद्र ने जयकारो सुनी जियो, तो बी टाइम इंद्र ने ठाप पड़ियो संत नारद जी रे द्वारा, वो बरसात शुरू करवा दी। शमंतक मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज के अंदर ऐसी बारिश कर दो, एक भी गांव एक भी घर एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। तत्पर करके जोर से बारिश शुरू हो गई, ब्रजवासी घबराए, कन्हैया की शरण में आए, कन्हैया पर कुपित हो गया है, आप हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, हमने गोवर्धन की पूजा की है, वही हमें प्राण दान भी देंगे, चलो। और भगवान गोवर्धन ने कहो, गोवर्धन सच्चे मन से हमने तुम्हारी पूजा अर्चना की है, तो हमारी रक्षा के लिए तैयार हो जा, ऊपर उठो। जैसे ही आदेश मिला, गिरिराज ऊपर उठा, और भगवान परमात्मा ने अपने हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज को धारण कर लिया, और सज्जनों सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत नीचे आ गया सुरक्षित। और भगवान 7 दिन 7 रात्रि 7 कोस लंबे गिरिराज ने 7 वर्ष की उम्र में आपरी हाथरी चिट्टूरी आंगली माथे धारण कर रखी, हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली कनिष्ठिका जिसको बोलते हैं, भगवान ने धारण करके रखा। बाद में तो इंद्र रो मान भी थोड़ो, क्योंकि इंद्र ने ठाप पड़ी, इंद्र आयो, और सज्जनों भगवान की लीला रो ठाप पड़ियो कि ये तो साक्षात नारायण है, परब्रह्म परमात्मा है भगवान, माफ कर दियो इंद्र ने, स्वर्ग रो प्रशासन करने पाछू चले गयो।
फिर सज्जनों शरद पूर्णिमा की रात आई। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान रासलीला करी, मुरली बजाई, गोपियां आई, रासलीला करी। रासलीला कोई स्त्री और पुरुष के मिलने की कथा नहीं है, बल्कि रासलीला जीव और शिव के मिलने की कथा रासलीला है। वो भगवान ने बताया कि जीव कैसे शिव से मिल सके, उसका ही तो नाम रास है। बाकी तो लोगों ने जिसको समझ रखा है रास, वो रास नहीं, वो हरास है, वो पतन है। रास का तो अर्थ ही बहुत ऊंचा है, जीव कैसे ब्रह्म से मिल जाए, वो रास। फिर व्योमासुर कंस राक्षस भेजिया नहीं, भगवान मानो उद्धार करिया। व्योमासुर और अरिष्टासुर केशी देते अनेक राक्षसों को भगवान उद्धार करियो, लेकिन अब कंस का उद्धार करना है। राक्षसों का तो उद्धार हो रहा है कंस के द्वारा भेजे हुए, परंतु कंस का उद्धार करना है। तो नारद जी ने मन में आयो कि भगवान कंस ने मारने में इतनी देरी क्यों कर रही है, मैं क्यों अड़ो करूं ताकि भगवान फटाक से कंस ने मार दे। तो नारद जी गया मथुरा नरेश, कंस ने कहे कैसे हो मथुरा नरेश? बोले बाप जी ठीक नहीं हूं, वो मारो काल अटू भाग्यो जेड़ू कटे है, कही ठाप पड़े कोनी, हमें मने थोड़ो बहुत कुछ क्लू मिलिया है। इन्हों अड़ो लागे है कि वो वृंदावन में नंद बाबा रे बठे बठे जो दो पुत्र पल रिया कृष्ण बलराम, उनमें से कोई एक मारो काल अड़ो मने लागे है। नारद जी क्यों लागे नहीं, वही थारा काल है पक्की बात। बोले वही जे तो मैंने मारने वास्ते गणी राक्षस भेजिया, पर माने समाचार मिले मारे द्वारा बिजड़ो राक्षस मर जावे, मारो काल बच जावे। नारद जी क्यों देख राक्षसों ने मत भेज, एक काम कर भगवान शिवजी की तू पूजा करी, जाने शिवजी तने धनुष दियो। बोले बिल्कुल, तो धनुष रो तो यज्ञ कर भी, धनुष यज्ञ में तो सबने बुला, मथुरा वासियों ने, वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने, और कृष्ण बलराम ने विशेष तौर से बुला, राज्य अतिथि के रूप में भेजे थे आ जाए। तो मैंने मारनो थारे हाथ में, तू चाहे तो कौले पिढ़ाती सो मार सके, तू चाहे तो मल युद्ध में मलना सो मरवा सके, तू चाहे तो खुद भी मार सके, किकर भी मरवा सके। कंस क्यों ठीक है गुरु जी, आप आशीर्वाद रहे हो तो वो काम हो जाए। नारद जी के हो जाए नहीं, परसों मैं तेरी विजय देखना चाहता हूं, तेरी ध्वजा पता का फेराना चाहता हूं, तू जीतना चाहिए। और यूं कह पर नारद जी आएगा वृंदावन में कृष्ण भगवान ने कने, और रोवन लग गया, आप रास रचाओ माखन मिश्री खाओ, हम संतों की चिंता नहीं। भगवान बोले नारद जी कई हुए? बोले कई नहीं हुए कंस रे, पापरो घड़ो पर गियो। कंस ने कोनी मारो, भगवान क्यों मार दे, वहां कंस ने तो मारनो है, कदे ही मार दे। बोले कदे ही नहीं, अभी परसों कंस मर जानो चाहिए, मैं कंस परसों कंस ने मरड़ो देखने चाहूं थाने आता। भगवान क्यों वहां नारद जी आप तो आप ही हो, वहां कंस को मेरे बारे में कह दिया, मेरे को उसके बारे में कह दिया, और दोनों को डेट परसों की दे दी, एक ही तारीख से दे दी। पर आप कह रहे हो तो मार दे और तो कहीं चलो। अजने कंस मल लोगों ने बुलाया, मीटिंग करी, घोषणा करी, धनुष यज्ञ अनाउंस हो गया। उसके बाद मल लोग तैयार हो गए। कंस ने कह दिया था मैं कृष्ण बलराम को बुला रहा हूं, ये मेरी प्लानिंग है, तुम उनको मार देना। फिर अक्रूर जी कंसरा मित्र व्याने कहो थे जाओ और व्याने ले रहा हो बैठे आए जिनमें व्याने मार दे। पर अक्रूर जी भगवान रा भगत, वे विचार करियो मन में कि भगवान, क्योंकि वे तो भगवान रा भगत था। अक्रूर जी ने ठाप पड़ गयो कि हमें भगवान रे हाथों कंसरी मौत है। ओ कंस तो गणई मन में रखे क्यों करूं क्यों करूं, पर हमें कंसरो टाइम आएगी। और अक्रूर जी सोनारे रथ में भगवान ने लेने वास्ते गया है सज्जनों, परमात्मा को वहां से जब लेकर के आ रहे हैं, बताया नंद बाबा को कि आप सबको बुलाया है, कृष्ण बलराम को राज्य अतिथि के रूप में बुलाया, मैं लेने आया हूं। मैं तो खुलन बात नहीं बताई नंद बाबा ने कि कहीं कहीं षड्यंत्र है, पर भगवान ने सब सच सच कहो अक्रूर जी की यह सब षड्यंत्र है, कृष्ण आपको मारने के लिए यह ऐसा हो रहा है। भगवान क्यों चिंता मत करो काका जी, मामा कंस आप रे पापों आप ही मर जाइए, मारो कहीं नहीं हुए, आप तो लीला देखता जाओ कहीं हुए ठीक है। लेकिन भगवान जब रवाना होया सज्जनों तो पूरो ब्रज रो रहे, गोपियों की आंखों में आंसू हैं, मैया यशोदा रो रही है, कभी इतना दूर नहीं गया था मेरा लाला, आज पहली बार कलेजे का टुकड़ा, आंखों का तारा, दुलारा प्यारा दूर जा रहा है। लेकिन भगवान सबने समझाया कि मैं आपकी भावना रो आदर करूं हूं कदर करूं हूं, मगर भावनाओं से भी कर्तव्य स्थान ऊंचो होया करें। इमोशंस अपनी जगह है पर ड्यूटीज अपनी जगह है, और चूंकि मुझे ड्यूटी को निभाना है इन वास्ते क्यों, क्योंकि मारो भगवान ने अपा कहीं कहवा अंग्रेजी में गॉड तीन अक्षर है जी ओ डी, लेकिन इन अर्थ कई वे आपने पतो है। गॉड की फुल फॉर्म गो ऑन ड्यूटी, तो गो ऑन ड्यूटी यानी जो स्वयं ड्यूटी पर जाता है और अपनी ड्यूटी को निभाता है उसे ही तो गॉड कहते हैं। भगवान ने कहा
मैं ड्यूटी नहीं निभाऊंगा तो फिर दुनिया को क्या सिखाऊंगा। आपकी भावनाएं हैं पर मैं भावनाओं में बह नहीं सकता, मुझे कर्तव्य निभाने हैं, कर्तव्य का निर्वहन करना है। भगवान सब ने समझाया, रोती गोपियां ने समझाई, धीरज बंधायो रे तुझ कहो आऊं पाछो आऊं आऊंला, बस कद आऊंला दिन नहीं बतायो आऊंला जरूर। यूं कह भगवान तो पधार गया, परंतु ब्रजवासियों को क्या पता था कि ये कृष्ण हैं, प्यार करता है तो इतना कि लगता है कि कभी छोड़कर जाएगा नहीं, लेकिन जब छोड़कर जाता है तो पीछे मुड़के भी देखता नहीं, उसका नाम कृष्ण है।